60 साल से काम कर रहे हैं मंत्री साहब के जगह पर। बच्चों का पालन पोषण इसी से होता? हाँ, इसी से होता था। तो आपको पहले इन्फॉर्म किया गया था? हमको नहीं इन्फॉर्म किया था। तो आप जो आपका दुकान टूट गया तो फिर कैसे जिंदगी बसर होगा? क्या करेंगे, तो नगर परिषद भूखे मर जाएंगे। नगर परिषद से कर्जा भी लिए थे तो कर्जा दे दिए, मदद किया था 10,000। कितना का सामान था? लगभग 15,000 रुपया का। यही से आपके बाल बच्चों का पालन पोषण चलता था? जी। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, कुछ तो बेरोजगारी हो गया। हाँ, बहुत रोजगारी हो गया। तो आप सरकार से, नगर परिषद से क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि सर आप जिंदा करके आपको मारना चाहते हैं सबको, तो कहे मर जाए, भूखे मर जाए। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा आपके दुकान में? 15,000 रुपये। 15,000 रुपया का? कितना सालों से? 60 साल 70 साल हो गया। 60-70 साल से कर रहे हैं जी। नगर प्रशासन या नगर परिषद जो भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अतिक्रमण को आप किस जोन में देखते हैं? जहाँ एक तरफ इनकी दुकानों को तोड़ दिया गया और होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ, क्या बुलडोजर वाले भैया को तोड़ने की हिम्मत नहीं है? इसलिए नहीं हिम्मत है क्योंकि वहाँ पर हमारे नेताजी का पोस्टर लगा हुआ। आज के डेट में समझ सकते हैं कि जहाँ 10 दुकानें हो पान की, वहाँ पर बड़ी मुश्किल से दाल रोटी की व्यवस्था होती है घर परिवार को चलाने के लिए, और प्रशासन का ना जहाँ समझे, जब हुआ बुलडोजर लग कर निकल पड़े, जब हुआ तोड़ दिए। कानून जब बनाए हैं तो सबके लिए बराबर है, समझे, मतवीर हो या गरीब हो। आपका भी टूटा है? टूटा है कि हमारा देखते हैं बाहर कर दिया, देखते नहीं। सरकार से, नगर परिषद से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग क्या रहेगा, हम बोलिए, हमारे कहने का मतलब है कि हम गरीब आदमी है, कमा के खा रहे थे, तो उसको मतलब तुझे उल्टा दिया किरान से। पहले नहीं बताया गया था, पेपर में हम लोग परसों देखे, समझे, तो हम पहले खाली कर दिए, कटघारा बच गया तो हम क्या उठा के ले जाएंगे, ये उधर से इधर कर दिया। कब किया गया ये? हाँ, कब किया गया? आज ही किया गया। अभी क्या किया? कितने सालों से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? 4 साल से। क्या क्या चीज़ का दुकान थी? बीड़ी का, सिगरेट का। यही से पालन पोषण आप अपने बच्चों को कर रहे थे? 5 गो बच्चा के हम पालन पोषण कर रहे थे। तो अभी आप क्या मतलब, क्या आपकी जिंदगी आप कैसे चलेगी? आप वही ना समझ रहे हैं कि कैसे चलेगा। फिर सरकार और नगर परिषद से क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं आप? हमारे कहने का मतलब कोई अस्थायी जगह दे हम लोग के। अच्छा, समझे, हम लोग पालन पोषण करेंगे, अपना दुकान बना कर कराएंगे, उसी से अपना पालन पोषण होगा। पालन पोषण होगा। यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर भी यहाँ पर है, कुछ लोग निवासी भी हैं, यहाँ पर प्रशासन भी आ चुकी है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात जानने की कोशिश करूँगा। सर अपना परिचय दे दें। हम IDBI बैंक के स्टाफ हैं मधुबनी में। सरकार जो नोटिस दी उसका फॉलो किए? नोटिस का फॉलो नहीं बताया गया, बता रहे थे कि हमको नहीं बताया गया। आप जानते हैं नोटिस 3 महीना पहले आ चुका है, हर एक 2 महीना पे आ रहा है, पर पेपर में निकल रहा है, इससे पहले भी यहाँ उसका आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गरीब का तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अरे भाई, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, आप ही हमको बताइए ना क्या होना चाहिए, क्या आप कहना चाहते हैं? दूसरे जगह पर उनको यानी कि कोई दुकान ऐसा दिया दे दिया जाए। स्थान है, आप जाइए सब्जी मंडी में, वहाँ स्थान दिया हुआ है, गिलेशन खाली करने के लिए भी ऑर्डर दिया हुआ था, उसके लिए स्थान आपको दिया हुआ है ना। सब्जी मंडी में तो सब्जी बिकेगा ना। आप एक बार बताइए, यहाँ देखिए भारतीय स्टेट बैंक है, IDBI है, उत्तर ग्रामीण बैंक है, यानी 4-5 बैंक है और 6 बैंक है, और पार्किंग व्यवस्था कहाँ है? पार्किंग की व्यवस्था नहीं है? पार्किंग नहीं है, है? वो भी पैसा लेता है तो बोर्ड लगाता है, सही, उसका भी तो बिजनेस है, हम लोग का भी तो बिजनेस है, कानून सबके लिए बराबर, समान, एक समान होना चाहिए, इंसाफ, इंसाफ सबका होना, उसका भी गिराइए, चाहे वो गरीब रहे चाहे वो अमीर रहे, कानून सबके लिए बराबर है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। पैसा लेता है तो बोर्ड लगाता है, हम लोग भी अपना कमाते हैं तब खाते हैं। बताओ, 45 साल से हम दुकानदारी कर रहे हैं। 45 साल से दुकानदारी कर रहे हैं। मेरे बाप दादा भी किए हुए दुकानदारी जगह पर। तो ये जो हो गया तो फिर आप अपने बाल बच्चों का पालन पोषण क्या करेंगे? चोरी डकैती करेंगे, क्या करेंगे? मजबूरी सोच सकते हैं, कितना परेशान है, गरीब मजदूर है, बताया गया है कि उनको कोई हम लोग सलाह तो जो बना उठा के बैठ दो, गरीब आदमी कोई रास्ता नहीं है, बिल्डिंग वाला सब सालों पर 2-2 लाख रुपया एडवांस मांगेगा, गरीब अधिकार मरा के लाके देगा, बताइए। आप सोच सकते हैं कितना गुस्से में है, कितना परेशान है, गरीब है, 3 साल से बैठे, 3 महीना से बैठे हुए हैं, दुकान तोड़ के यहाँ रखे, यहाँ लेके आए, पता कभी ना सर, कभी। तो सरकार और नगर परिषद से आप क्या कहना चाहते हैं? नगर परिषद से कहना चाहते हैं वही की चीज कि हम लोग को जगह दे, रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं जगह दिया, व्यवस्था करके दिया जाए हम लोग को। तो अभी फिर चुनाव होने वाला है नगर निगम का, उसमें क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, आकर तो जूता लेकर मारेंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक और भाई है, उनसे जानने की कोशिश करूंगा, अपना नाम बताएंगे। आकाश कुमार। तो
जो आपको ये खाली जो कराया गया पहले बताया गया था? नहीं नहीं, अभी जस्ट कोर कार करने स्टार्ट कर दिया। कितने साल से आप दुकान कर रहे थे? 10 साल से मैक्सिमम, 10 साल से। हाँ, अपना बचपन से। पहले नहीं बताया गया था? नहीं, नहीं।